गाइस पेटीएम काफी पॉपुलर है इंडिया में। गाइस पेटीएम के थ्रू हम काफी सारी सर्विस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डिश रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल को पे कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी सर्विसेज है गाइस जो हम पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। और किसी भी शॉप पर हम पेमेंट बारकोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, और मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही आसानी से, और कैशबैक कमा सकते हैं। लेकिन गाइज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं पता जिन लोगों को कि पेटीएम को कैसे यूज़ किया जाता है, केवाईसी कैसे की जाती है, तो गाइज़ ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली। और इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ पेटीएम एप्लीकेशंस को आपको कैसे यूज़ करना है, शुरू से बताने वाला हूँ बिल्कुल कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे केवाईसी करनी है, कैसे आपने मनी को ऐड करना है, कैसे दूसरों को पैसे भेजने हैं, किसी भी दुकानदार को आपको कैसे पेमेंट करना होगा, कैसे बारकोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, कैसे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक बंदे को दूसरे बंदे को पैसे भेजने हैं तो कैसे आप पैसे भेज सकते हो, सारी डिटेल बताने वाला हूँ गाइज इस वीडियो में। वीडियो लंबी है गाइज थोड़ी, लेकिन बड़ी ही काम की है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से पा सकते हो पेटीएम के बारे में। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, और गाइज जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो डेंजरस हो सकती है जैसे कि हम जानते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए पेटीएम के बारे में और अच्छी तरह आप पेटीएम को यूज कर सकें। तो गाइज बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पेटीएम को यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल पर पेटीएम का ऐप को इंस्टॉल करना होगा। सिंपली गाइज आपने प्ले स्टोर ओपन करना है अपने मोबाइल का। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से पेटीएम का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपने सर्च बार में टाइप करना है पेटीएम, पेटीएम का ऐप आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेगा। 34 MB का इसका साइज़ है और 100 मिलियन प्ले इसके डाउनलोड है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा गाइस, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इट इज़ इंस्टॉलिंग, लेट इट बी इंस्टॉल। फर्स्ट इंस्टॉल हो गया गाइस, ओपन करेगा। यहाँ से गाइस आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप स्किप भी इसको कर सकते हैं। तो भाई हम यहाँ पर पेटीएम पर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा अकाउंट ये क्रिएट हो चुका है। अब गाइज़ हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइज आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करके लिंक बैंक अकाउंट पर, यहाँ से गाइज हम अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे, जो उनसे भी हम लिंक करना चाहते हैं, जिसमें भी आपका खाता हो तो आप यहाँ पर लिंक कर लेंगे। इसके लिए गाइज आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक, ठीक है, बैंक में, तभी आप लिंक कर पाओगे। यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे अपनी, तो गाइज यहाँ पर आपने अपना नेम डाल देना है, यहाँ ईमेल एड्रेस डालेगा अपना, और यहाँ फ़ोन नंबर, और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमारा जो पेटीएम वॉलेट स्टेटस ये इनएक्टिव शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इनएक्टिव शो कर रहा है, तो आपको इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, एक्टिवेट नाउ। तो यहाँ पर गाइज हमको मिनिमम KYC करानी होगी अपने वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो पासपोर्ट होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या नरेगा जॉब कार्ड, इनमें से कौन से भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप मिनिमम KYC कर सकते हो। यहाँ पर गाइज अगर आप मिनिमम KYC कर लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। मिनिमम KYC करने के बाद गाइज आप किसी पे कर सकते हो मर्चेंट को, हो एक्सेप्ट पेटीएम, जिनका ऑलरेडी पेटीएम है, आप उनको मनी सेंड कर सकते हो, ठीक है। कैन पे ऑनलाइन ऑन एनी ऐप वेबसाइट, किसी भी ऐप पर और वेबसाइट पर ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। बैलेंस को मेंटेन रख सकते हो 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 की लिमिट दी जाती है अगर आप मिनिमम KYC कंप्लीट कर लेते हो तो। कैन नॉट सेंड मनी टू फ्रेंड्स वॉलेट, लेकिन आप मिनिमम KYC से गाइज अपने फ्रेंड्स के वॉलेट में डायरेक्टली पैसा नहीं भेज सकते। कैन नॉट ट्रांसफर मनी टू द बैंक, आप बैंक में भी कोई मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैन नॉट कीप द बैलेंस ऑफ अप टू 1 लाख, 1 लाख तक आप अपने पेटीएम वॉलेट में बैलेंस नहीं रख सकते, अपने पेटीएम अकाउंट में आप 1 लाख तक नहीं रख सकते। मिनिमम KYC की जो लिमिट है वो गाइज वो 10,000 ही महीने की है। कैन नॉट ओपन सेविंग अकाउंट, आप पेटीएम अकाउंट भी नहीं खोल सकते। गाइज मिनिमम KYC करने के बाद आप फुल KYC कर सकते हो। फुल KYC में आप जितने भी ये बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, आपको फुल KYC में मिलने वाले हैं।
फुल केवाईसी में गाइज आप अकाउंट भी खोल सकते हो पेटीएम में, और इसका डेबिट कार्ड भी मंगा सकते हो, और 1 लाख तक की आपको लिमिट मिल जाती है, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो आप वहाँ पर। और गाइज आप वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के वॉलेट में पैसा भी भेज सकते हो, किसी के बैंक अकाउंट में भी डायरेक्टली पैसा भेज सकते हो अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हो। अब आप ये फुल केवाईसी करोगे कैसे? आपके आसपास पेटीएम स्टोर हो गए, वहाँ पर आप जाकर फुल केवाईसी करा सकते हो। वहाँ पर आपके कुछ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गए, और वहाँ पर आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो फुल केवाईसी के लिए। यहाँ पर ये दे रखे बेनिफिट्स ऑफ फुल केवाईसी, यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ डू आई कम्प्लीट माई फुल केवाईसी, आधार बेस्ड केवाईसी एट योर नियर बाई केवाईसी पॉइंट। ठीक है, केवाईसी पॉइंट को आपको आधार बेस्ड केवाईसी करनी होगी वहाँ पर। ठीक है, आधार लेके जाना होगा अपना, आधार कार्ड से ही वो आपकी फुल केवाईसी होगी। एंड गाइस जो केवाईसी होगी आपकी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कोई वहाँ पर चार्ज नहीं देना होगा अपने केवाईसी पॉइंट पर। ठीक है, केवाईसी पॉइंट आप यहाँ पर अपने देख सकते हो आसपास आपके केवाईसी पॉइंट कहाँ पर है। चलिए गाइस मैं आपको दूसरे अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ जिस पर मैंने फुल केवाईसी और मिनिमम केवाईसी कंप्लीट कर रखी है, और आपको दिखाता हूँ फिर आपके क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हो। अगर आपके पास मिनिमम केवाईसी नहीं है और कंप्लीट केवाईसी नहीं है तो आप कुछ भी बेनिफिट्स पेटीएम से नहीं ले सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं दूसरे अकाउंट पर लॉगिन करता हूँ जिस पर मेरे ने अपनी कंप्लीट केवाईसी और मिनिमम केवाईसी कर रखी है। इस अकाउंट को मैं लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे, सेटिंग पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड लॉग आउट। अब मैं दूसरे अकाउंट पर लॉगिन करता हूँ। तो गाइज मैं अपने दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ, यहाँ पर मुझको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो कंप्लीट केवाईसी में मिलते हैं, क्योंकि मैंने कंप्लीट केवाईसी अपनी कर ली है और मिनिमम केवाईसी भी यहाँ पर कर ली है, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मैंने अपने केवाईसी पॉइंट जाकर भी वहाँ पर फुल केवाईसी करा ली है जो कि आधार बेस्ड हुई थी। उसके बाद गाइज आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइज बैलेंस एंड हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर अपनी हिस्ट्री देख सकते हो, बैलेंस एंड हिस्ट्री, यहाँ पर आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, क्या आपको कितना कैशबैक मिला है, सारे हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है गाइज पेटीएम बैंक का, अगर आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा है पेटीएम बेस बैंक में तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस हमारा जो बैंक है पेटीएम, यहाँ पर आपका बैलेंस दिख जाएगा कितना बैलेंस है, और यहाँ पर आप इसको ट्रांजेक्शन्स आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। अगर आप घर मंगाना चाहते हो तो पेटीएम डेबिट कार्ड को आप घर पर मंगा सकते हो। ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट बैलेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और कितना आपने खर्च किया वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर पेटीएम वॉलेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके, यहाँ पर आप अगर आप अपने वॉलेट में मनी को ऐड करना चाहते हैं, जस्ट आपको अमाउंट डालना है, ठीक है, कितना है आप ऐड करना चाहते हो, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने जो भी बैंक ऐड किया है पहले आपको बैंक ऐड करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको नया अकाउंट क्रिएट करके दिखाया था गाइज, उसमें दिखाया था आप अपने अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप किसमें से आप ये मनी ऐड करना चाहते हो वो अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सभी बैंक आपने ऐड किया है उससे आप अपने पेटीएम वॉलेट में बैलेंस को ऐड कर सकते हो। गाइस अगर आपको पे करना है किसी को तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे का ऑप्शन मिल जाएगा, पे पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप बार कोड स्कैन करके जिस पर आप पे करना चाहते हो आराम से पे कर सकते हो बार कोड के थ्रू, या आप यहाँ पर उनकी यूपीआई आईडी डाल के या मोबाइल नंबर डाल के भी आप पे कर सकते हो, जस्ट आपने मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कितना पे करना चाहते हो और यहाँ पर आप पे कर सकते हो, यहाँ से आप मनी को सेंड कर सकते हो, सेंड मनी टू एनीवन, इस पे क्लिक करोगे, उनका नाम डालोगे जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, यहाँ से आप मोबाइल नंबर डालोगे उनका जिनको भी आप सेंड करना चाहते हो, यहाँ अमाउंट डालेंगे कितना आप उनको पे करना चाहते हो, तो यहाँ से आप किसी को भी पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो टू योर ओन अकाउंट, यहाँ से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, स्कैन यूपीआई क्यूआर कोड, यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पे कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे टू अ बैंक अकाउंट, आप किसी के बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके किसी के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो, एंटर बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे आप या यूपीआई आईडी, ठीक है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल डाल के आप पे करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करेंगे,
बैंक अकाउंट नंबर डाले गए, यहाँ पर आईएफएससी कोड डाले गए, यहाँ मोबाइल नंबर डाले गए, ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो, और यहाँ पर अकाउंट होल्डर्स नेम, और इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके आप जितना अमाउंट पे करना चाहते हो उतना अमाउंट पे कर सकते हो, उनके डायरेक्टली बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ से अकाउंट बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हो, पेटीएम बैंक बैलेंस देख सकते हो, और आपने जो भी बैंक ऐड किया है अपने अकाउंट पेटीएम में, यहाँ से आप उसका बैलेंस चेक कर सकते हो। चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे, पहले मैं ये वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर गाइज ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए तभी आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन नंबर दूसरे मोबाइल में है और पेटीएम दूसरे मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो आपका ये मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करेगा। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें गाइस, आपके फ़ोन में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो जिस पर भी आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है। नंबर पर से भी आपने पेटीएम का अकाउंट क्रिएट कर रखा है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए। यहाँ से ऐड अनदर बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी को भेजना चाहते हो तो यहाँ पर पैसे आप बहुत ही आसानी से पेटीएम के थ्रू भेज सकते हो। यहाँ से रिचार्ज एंड पे बिल्स पर क्लिक करके गाइज आप रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल रिचार्ज करना होता है तो गाइज यहाँ से प्रीपेड एंड पोस्ट पेड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सेलेक्ट करना चाहते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है गाइज, पेटीएम से कैसे रिचार्ज करते हैं। यहाँ से प्रीपेड पोस्ट पेड आप रिचार्ज कर सकते हो, यहाँ डिश रिचार्ज करना तो DTH वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई, T2H सारे रिचार्ज आपको मिल जाते हैं और प्रोमो कोड मिल जाते हैं, आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हो और कैशबैक कमा सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकते हो। यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन से बोर्ड में आता, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी, नोएडा पावर कॉर्पोरेशन, टोरेंट पावर, उत्तर प्रदेश, जैसे हम UPPCL में आते हैं तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकता हूँ। और यहाँ से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स कर सकते हो गाइज, यहाँ पर आप पाइप गैस बिल कर सकते हो, अपना गैस को यहाँ से आप बुक कर सकते हो, बुक ए सिलेंडर पर क्लिक करके गाइज आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो, वाटर बिल पे कर सकते हो, अपार्टमेंट बिल पे कर सकते हो, ब्रॉडबैंड कर सकते हो, लोन का कर सकते हो गाइज, सेलेक्ट योर लेंडर, इंश्योरेंस, डेटा कार्ड, केबल टीवी, म्यूनसिपल पेमेंट्स कर सकते हो, टोल, चालान, तो गाइज आपको यहाँ सारे मिल जाएंगे और आप यहाँ से किसी का भी बिल पे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ से आप फास्टैग पर रिचार्ज कर सकते हो और फास्टैग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो पेटीएम का यूज़ करके। एंड गाइज यहाँ पर आप शॉप भी कर सकते हो, शॉप ऑन मॉल, इसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर है। यहाँ से कैशबैक एंड ऑफर्स पर क्लिक करके आप कैशबैक देख सकते हो, कैशबैक वो जैसे हमने 62 रुपीज़ का यहाँ पर कैशबैक कमाया है, और स्टिकर 1। यहाँ पर गाइज आप पेटीएम में आएंगे और ऑल सर्विसेज पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारी सर्विस मिल जाएगी जो पेटीएम सर्व करता है। यहाँ लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, और स्टॉक्स एंड IPO, ट्रेवल, मूवीज़ एंड इवेंट्स, यहाँ आप मूवी टिकट कर सकते हो, सिनेमा गाइडलाइंस, इवेंट टिकट, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वॉलेट पे क्लिक करके गाइज आप मनी ऐड कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वॉलेट टू बैंक में आप अपने फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। रिचार्ज एंड पे बिल्स पे क्लिक करके गाइज आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया इतने सारे रिचार्ज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैनेज फास्टैग, आप यहाँ पर आप अपना फास्टैग को भी मैनेज कर सकते हो और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्कवर विद पेटीएम, ओला कैब्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा, फूड डिलीवरी, टैक्स बिलिंग ऑर्डर, मेडिसिन, ठीक है आप यहाँ से सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक्सप्लोर नियर बाई स्टोर देख सकते हो, ऑर्डर फूड, नियर KYC पॉइंट, यहाँ से आपने अगर अपनी KYC करानी है तो गाइज नियर KYC पॉइंट पर क्लिक करेगा, आपके जितने भी आसपास यहाँ पर KYC पॉइंट हो गए वो यहाँ पर आपके शो कर देगा। जैसे हमारे यहाँ पर ये शो कर रहा है तो यहाँ से आप इनको कॉल कर सकते हो और डिस्टेंस भी आ जाएगी 1 किलोमीटर, 1.13 किलोमीटर, 9.27 किलोमीटर, तो यहाँ से आप KYC पॉइंट पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो KYC हो रही है या नहीं और अपनी KYC वहाँ पर आप करा सकते हो। अदर सर्विसेज मिल जाती है गाइज, नियर बाई वाईफाई हॉटस्पॉट, चैट, मंथली बिल्स, DTH, बुक एंड सिलेंडर, रेंट पेमेंट, अपार्टमेंट्स, वाटर, पाइप गैस, DTH, तो सारे बिल्स आप यहाँ पर पे कर सकते हो। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर क्लिक करोगे और सेटिंग पर आएगा,
यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में आप यूज़ करना चाहते हो पेटीएम को। इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब आपको यहाँ मिल जाएगी। सेव कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करके गाइज आप यहाँ पर कोई अपना डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हो, जिससे भी आप शॉपिंग करना चाहते हो। यहाँ ऐड मनी रिफंड बैक टू सोर्स, तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप जो भी रिफंड आपको किया जाएगा पेटीएम में, वो आपके सोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ से वो कटा है वहाँ से वो, जैसे कि बैंक अकाउंट से कटता है तो बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज वो हमारे पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाता है। ऑटोमेटिक पेमेंट्स यहाँ से आप कर सकते हो। पेमेंट रिमाइंडर, पेमेंट लिमिट्स देख सकते हो गाइस, यहाँ पर पेमेंट्स लिमिट मर्चेंट के लिए ऐड कर सकते हो। पेटीएम यूजर्स ऐड लिमिट, सेंड मनी टू बैंक, यहाँ से गाइस आप पेमेंट लिमिट्स को ऐड कर सकते हो। डेली लिमिट्स और मंथली लिमिट्स आपको गाइस ये फीचर जब मिलेंगे जब आप अपनी फुल KYC करा लोगे। पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सिक्योरिटी शील्ड लगा सकते हो, कंट्रोल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जिससे कि आपका अकाउंट सेफ रहे, ठीक है। अकाउंट सिक्योरिटी टिप, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो अपने पेटीएम को। योर अकाउंट पे क्लिक करके गाइज आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो, अपनी नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहाँ पर पेटीएम वॉलेट स्टेटस एक्टिव, ठीक है। KYC वेरीफाइड, यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, बाय फास्टैग फॉर कार जीप वैन गेट कॉमर्शियल फास्टैग, ठीक है। कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए यहाँ से आप बाई कर सकते हो, और अपनी कार या प्राइवेट व्हीकल्स के लिए आप यहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज यही फीचर्स होते हैं पेटीएम में, इस तरीके से हम पेटीएम्स को यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और अपने बिल्स को पे कर सकते हैं पेटीएम की मदद से। तो देखा गाइज कितना इजी है पेटीएम को यूज़ करना, इस तरीके से हम पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं और KYC कर सकते हैं गाइज। तो गाइज अगर आपको कंप्लीट KYC करनी है, इसका फुल आनंद लेना है, वो अपनी लिमिट बढ़ानी है पैसों की, तो गाइज आपने कंप्लीट KYC के लिए आपने KYC सेंटर जाना होगा, जिसके थ्रू आप उसको देख भी सकते हो, लोकेशंस कहां पर है वो मैंने आपको जैसे कि वीडियो में बताया है। गाइज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज हम ऐसा कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। इसी के साथ आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।